कि इस साल हम एक नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा पूर्वानुमान 15 अप्रैल को जारी हुआ था, इसके हिसाब से क्वांटिटेटिवली 100% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज पूर्वानुमान किया गया था विथ प्लस माइनस 5% मॉडल एरर। अभी आज जो पूर्वानुमान हम दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए 1 जून से 30 सितंबर के अंदर होने वाले बारिश का परिमाण 102% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का उम्मीद किया जा रहा है, और ये मॉडल का जो एरर है प्लस माइनस 4% है। नॉर्मल रेनफॉल 5 जून से 30 सितंबर के अंदर लगभग 88 सेंटीमीटर होता है, और आज जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से 88 सेंटीमीटर की 102% होने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप डिफरेंट होमोजेनियस रीजन्स देखेंगे तो भारत मौसम विज्ञान विभाग 4 डिफरेंट होमोजेनियस रीजन्स के लिए पूर्वानुमान देते हैं। इसके हिसाब से इस साल जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए 107% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, सेंट्रल इंडिया के लिए 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, साउथ पेनिनसुला के लिए 102% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए जैसे कुछ साल हो गया थोड़ा से बारिश कम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इस साल भी हमारा ये उम्मीद है कि 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में 100 से अबव रहने का, नियर नॉर्मल के अबव नॉर्मल रहने का उम्मीद है, मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम थोड़ा नॉर्मल रेनफॉल से कम उम्मीद कर रहे हैं, 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये सभी मॉडल का एरर है प्लस माइनस 8%। सो इसके साथ साथ हम जुलाई और अगस्त के लिए भी पूर्वानुमान जारी करते हैं। इस साल जुलाई महीने में जो बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है लॉन्ग पीरियड एवरेज की 103%, और अगस्त महीने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। और ये जो मंथली रेनफॉल का जो पूर्वानुमान हम देने के लिए मॉडल यूज करते हैं इसका एरर है प्लस माइनस 9%। आई थिंक नहीं आ रहे वो। सो ये है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ हम एक प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट भी जारी करते हैं, और ये प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी असेस किया गया रेनफॉल का जून टू सितंबर, इसमें डेफिशिएंट रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी 5% है, बिलो नॉर्मल रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी 15% है, नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी 41% है, एबव नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी 25% है, और एक्सेस रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी 14% है। सो आप ये सभी आंकड़े को कंपेयर करें, ये लगता है कि हमारा जो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है वो नॉर्मल या एबव नॉर्मल की तरफ इंडिकेशन आ रहे हैं। सो ये जो प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट है हमारा क्वांटिटेटिव फोरकास्ट के साथ एकमत है कि हम इस बार नॉर्मल से ज़्यादा माने 102% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जो आप लार्ज स्केल फीचर्स हम देखते हैं कि यूजुअली हम जो एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन माने इक्वेटोरियल पैसिफिक ऊपर जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है इसका बहुत सारे भूमिका रहता है मानसून रेनफॉल के साथ। सो जैसे हमने 15 अप्रैल को आप लोगों को बताए थे कि इस बार न्यूट्रल एनसो कंडीशन है, और ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि लेटर हाफ ऑफ द सीजन यानी अगस्त सितंबर की तरफ ये वीक लानिना कंडीशन डेवलप हो सकता है। एलिनो कंडीशन मानसून के लिए अच्छा नहीं होता है, मगर लानिना कंडीशन मानसून के लिए अच्छा है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके लिए हम अच्छा मानसून इस बार उम्मीद कर रहे हैं वो है कि न्यूट्रल एनसो कंडीशन और पॉसिबिलिटी ऑफ वीक लानिना कंडीशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन। सिमिलरली आप जो इंडियन ओशन डाइपोल जे कि एलिनो के काउंटर पार्ट बोल सकते हैं हमारा इंडियन ओशन में, वो अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, और हमारा उम्मीद है कि ये न्यूट्रल कंडीशन जारी रहेगा थ्रू आउट द मानसून सीजन। सो ये दोनों लार्ज स्केल फीचर्स को देखते हुए हमारा जो अनुमान है कि रेनफॉल 102% ऑफ एबव नॉर्मल हो सकता है प्लस माइनस 4%। सो ये है
अबाउट मानसून, जैसे सेक्रेटरी साहब ने आपको बता रहे थे, आज के दिन में हम और एक प्रेस रिलीज जारी किए हैं, वो है मानसून अनसेट ओवर केरला। हम जैसे 4-5 दिन पहले बता रहे थे कि